नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube पर। आज की जो क्लासेस है टुडे इज कंटिन्यू कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका रहेगा मेमोरी। मेमोरी यानी कि हॉस्टल वाटर में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेमोरी से जितने भी टॉपिक बनते हैं यहाँ पे एक बार कवर कर लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर ये थ्योरी पढ़ ली, ये पूरा लिखित नोट्स है, समझ में आ रही क्या? ये पूरा लिखित नोट्स है। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। विल बी कंटिन्यू क्लासेस एंड कंप्यूटर, जबकि ऑप्शन वगैरह में 30 नंबरों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस करना चाहते हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 30 तक, यानी कि मेरे जो एक महीने के क्लासेस रहेगा कंप्यूटर का, इसमें आपको कंप्यूटर रहेगा प्लस आपका छत्तीसगढ़ रहेगा प्लस आपको मैथ्स रहेगा, यानी कि तीनों सब्जेक्ट वाइज हम आपको ऑप्शन वगैरह के सब्जेक्ट वाइज यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू क्लासेस कराएंगे। ओके, अगर मेरी बातें आपको क्लियर समझ में आ रही है, एक बार वीडियो को अंत तक देख के जरूर जाइएगा। यहाँ से मेमोरी जो है, मेमोरी से एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है कि प्राथमिक मेमोरी होती क्या है या द्वितीयक मेमोरी क्या होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे गए हैं, सीजी व्यापम के एग्जाम में, हॉस्टल वाटर के एग्जाम में, जितने भी व्यापम में हुए हैं विगत वर्षों के प्रश्न है ना, ये सभी आपके मेमोरी से प्रश्न पूछे गए हैं 2016 में, 17 में, 2021 में, 22 में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। तो मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है, तो पहले एक बार थ्योरी कर लेते हैं मेमोरी। तो मेमोरी आप सभी को मालूम होगा, अगर इतना बस पढ़ लेते हैं तो मेमोरी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेमोरी से दो वीडियो आएगी, एक तो पहला वीडियो अभी चल रहा है, इसका पार्ट टू वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक, ठीक है? तो जब आप लोग वीडियो को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, विल बी कंटिन्यू क्लासेस एंड मोर देन, ठीक? सो हाँ, बिल्कुल गुड इवनिंग। शाम की जो बैच चल रही है, ठीक। मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है, जिसमें प्राथमिक मेमोरी, उसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। अब प्राथमिक मेमोरी होता क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। प्राथमिक मेमोरी जो डायरेक्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है, यानी कि CPU, ठीक है? जो प्राथमिक मेमोरी है ये आप याद रखना, CPU, ओके? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डायरेक्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, है ना? अब मैं बात करूँ द्वितीयक मेमोरी का। द्वितीयक मेमोरी, इसको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, उसको हम कौन से मेमोरी कहते हैं? स्थायी मेमोरी, ठीक है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको याद रखना। स्थायी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी को, सहायक मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और जो इसको बोलते हैं अस्थायी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, मुख्य मेमोरी कहा जाता है, वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, वोलाटाइल मेमोरी, ओके, वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। लाइव क्लास कुछ दिनों बाद देंगे, ये जो क्लासेस चल रही है पूरा रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड फॉर्म पर अपलोड किया जाएगा, ठीक। अब मैं बात करूँ मुख्य मेमोरी कितने प्रकार से होते हैं। मुख्य मेमोरी को स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी या उसको अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, सॉरी स्थायी मेमोरी कहा जाता है द्वितीयक मेमोरी को, ठीक है? तो स्थायी मेमोरी, अब स्थायी मेमोरी में तीन प्रकार से आते हैं, देखेंगे। तो स्थायी मेमोरी में रॉम, प्रोग्राम, ई प्रोग, यानी कि रॉम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका रॉम का रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म से एग्जाम में भी प्रश्न डायरेक्ट उठाकर पूछे जाते हैं, ओके, गुड। सो सी विल बी कंटिन्यू क्लासेस, फोकस क्लास पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ओके, नाइस जी, बिल्कुल। तो वो क्लासेस देंगे रीड प्रॉम यानी कि रॉम प्रॉम प्रॉम, ठीक है? ई प्रॉम प्रॉम ई प्रॉम आई प्रॉम प्रॉम, ये सभी आपके स्थायी मेमोरी, जबकि कैश ये देखिए अस्थायी मेमोरी। अब अस्थायी मेमोरी में क्या होता है? रैम। अस्थायी मेमोरी क्या रहेगा? रैम, जो आपका डायनेमिक और स्टैटिक रहेगा, ठीक। अब मैं बात करूँ यहाँ पर द्वितीयक मेमोरी का, तो द्वितीयक मेमोरी को ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे, द्वितीयक मेमोरी को ध्यान से समझेंगे। मैं इस प्रकार यहाँ से इसको ला लेता हूँ, ठीक।
मैं बात करूं टू टैप मेमोरी का, देखेंगे मैग्नेटिक टैप और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो सहायक मेमोरी होता है उसको टू टैप मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी होता है। इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में स्थायी मेमोरी, याद रखना ठीक है। स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो स्थायी मेमोरी है इसको मैग्नेटिक टैप भी कहा जाता है, इसको याद रखना। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, अब देखेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन कौन शामिल है, जो हमारे आपका जाएगा चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो जब भी आपको ऑप्टिकल डिस्क को कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया ये वाला ऑप्टिकल डिस्क, 2019 के एग्जाम में, 21 के एग्जाम में और 22 के एग्जाम में कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया है, और विगत वर्षों पूछा भी गया होगा 2016 में 17 में, है ना। तो इतना बस याद रखना है कि जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक में लेकर आऊंगा, है ना। तो डिस्कस करेंगे जितना भी आपको थ्योरी समझ में आता है, अगर ये आप पार्ट समझ लिया तो आपको छुट्टियों में मैं कहता हूँ छुट्टियों में आपका आंसर आ जाए, ठीक। तो ऑप्टिकल डिस्क किससे कहते हैं, तो यहाँ पर ब्लू रे डिस्क, सीडी, डीवीडी, सीडीआर, सीडीआर डब्ल्यू, ये सभी क्या है ऑप्टिकल डिस्क है। जितने भी सीडी, अब सीडी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको आ जा रहा है सीडी। अब यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे सीडी, है ना। जो सीडी होता है, सीडी का जो भंडारण क्षमता होता है 700 MB होता है। जितने भी टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ पूरा क्लियर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, या पूछे जा सकते हैं। सीडी की जो भंडारण क्षमता है 700 MB। मैं बात करूँ डीवीडी का, डीवीडी का भंडारण क्षमता कितना है, 4.7 GB सिंगल लेयर में। मैं बता रहा हूँ सिंगल लेयर, अगर यही टॉपिक आपको डबल लेयर में पूछता तो डबल का 8.5 GB, ठीक है। पूरा मैं आपको कराऊंगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, है ना, ये सभी आपको मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। और कंप्यूटर की क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, तो कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक है विगत वर्षों के बारे में पूछे हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास भी है, जहाँ पर लाइव क्लास में अटेंड कीजिएगा कंटिन्यू क्लास में, ठीक। तो क्लियर मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, आई होप की विल कंटिन्यू क्लासेस, सो मोर क्लियर इज थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव विल बी टुमारो, ओके। So continue classes this watching, okay, see again class now CD single layer। अब मैं बात करूँ सिंगल लेयर का 700 MB है तो डबल लेयर का कितना हो जाएगा जी, डबल लेयर का आपका 1400 MB, ठीक, क्लियर समझ में आया। अब मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए ब्लू रे डिस्क का, ब्लू रे डिस्क का कितना होता है, ब्लू रे डिस्क इसका कितना हो जाएगा जी, ब्लू रे डिस्क का जल्दी से बताइए कमेंट करके। एक आता है फ्लॉपी डिस्क, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का सबसे कम भंडारण क्षमता होता है 1.4 MB, इसको याद रखना, सबसे कम आपका फ्लॉपी डिस्क रहेगा। और जितने भी टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, इसका होगा 1 TB, TB में आएगा कुछ, है ना, इसको याद रखना, ब्लू रे डिस्क का 1 TB में है, ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आया, सीडी, डीवीडी, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, ब्लू रे डिस्क, ये सभी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है क्या, ये सभी जितने भी आपको बताया सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, है ना, CDRW, ये सभी हमें क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, क्लियर समझ में आई, ओके। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में फ्लैश मेमोरी और ये आपका आ जाएगा मेमोरी कार्ड। मेमोरी को इसको क्या बोलते हैं, कार्ड, कार्ड को और क्या बोल सकते हैं, चिप, ओके, इसको हम चिप भी बोल सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, ओके, विल बी कंटिन्यू, जो जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी टॉपिक है, मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाने का प्रयास करूंगा। तो कल से पूरा 1 घंटे का महा एपिसोड रहेगा, जिसमें आपको इनपुट आउटपुट, है ना, मल्टीमीडिया, उसके बाद है आपको पूरा कंप्यूटर के सामान्य परिचय, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं पीढ़ी वगैरह से, जैसे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, है ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछा जाता है, ओके।
मैं बात करूं यहां तक कंप्लीट हो चुका होगा आपका, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये है ना, तो ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? तो साइज बड़ा हो गया क्या आपका? चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहे हैं ना, दिखना चाहिए बस आपको। दिखना चाहिए बस आपको, ओके। जी बिल्कुल, आपको दिखना चाहिए बस, है ना। तो फटाफट इसको चेंज कर दे रहा हूँ, एक मिनट ना आपको दिख जाएगा, फिर थोड़ा सा वेट कर लो थोड़ा। थोड़ा सा वेट कर लो, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा था, नाम चेंज है ना, तो नाम चेंज कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा ये आ गया आपका, थोड़ा सा एक मिनट ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए यहाँ तक आपको पूरा एक बार दिख रहा है क्या? देखिए फ्लैश मेमोरी कार्ड चिप, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ओके। चलिए मैं बात करता हूँ अब इसका। ठीक है, क्लियर आ रही क्या आवाज? एक बार कमेंट करके बताएंगे, ओके। फाइनली फिर स्टार्ट करता है यहाँ से, कौन सा बचा था आपका? डायनेमिक और स्टार्टिंग, ठीक है। तो डायनेमिक में आपको कौन सा फ्लॉपी डिस्क और इसका आ जाएगा हार्ड डिस्क, ठीक है। जो हार्ड डिस्क है तो उसको तीन भागों में बांटा गया, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विजेटर डिस्क। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं 2021 के एग्जाम में, और 2023 के एग्जाम में जो हुआ उसमें एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्लासेस आपको समझ में आई क्या? मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, रॉम, रॉम, ईप्रॉम, इसके बाद रैम है आपका, डायनेमिक है, स्टैटिक है, ठीक। इसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक आपको बताया बोला, यानी कि ऑनलाइन, ठीक है। आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ कम से कम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में मेमोरी से डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। शो कंटिन्यू क्लासेस, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? आप सभी को मालूम है कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक प्राथमिक मेमोरी, दूसरा है आपका द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी को किस नाम से जाना जाते हैं? मुख्य मेमोरी, ठीक है। और द्वितीयक मेमोरी को किस नाम से जाना जाते हैं? सहायक, सहायक मेमोरी। अभी आपको बताया ना, सहायक मेमोरी के नाम से जाना जाता है इसको, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है इसको, सिर्फ वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है इसको, स्थायी मेमोरी और इसको अस्थायी मेमोरी। इतना सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक। जब हमने पढ़ा यहाँ से, यह आपका प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी, सॉरी वोलाटाइल मेमोरी, और इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है।
निम्न में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट, क्योंकि मेगाबाइट यानी कि एमबी, ठीक है, इसको देखेंगे टेराबाइट, ये आपका टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका आ जाएगा टेराबाइट पहला नंबर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा गीगाबाइट, तीसरा नंबर पे आपका आ जाएगा एमबी, पहला पहला में आपका आ जाएगा केबी जो सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा मेमोरी कौन सा है? तो यहाँ पर देखें, मैं आपको बताया भी किलोबाइट सबसे छोटा पहला नंबर, और सबसे बड़ा में टेराबाइट, सॉरी, है ना, ये चौथे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर यानी कि सबसे छोटा। तो यहाँ पर देखें सबसे छोटा मेमोरी पूछा गया है, तो डायरेक्ट अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर देखें किलोबाइट ये सबसे छोटा है। अगर सीरीज में पढ़ेंगे तो पहला नंबर, दूसरा में ये मेगाबाइट, तीसरा में गीगा, और चौथा में आपका टेरा। तो अब यहाँ पर क्रम वाइज देख लीजिएगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे छोटा एक यानी कि कम, और सबसे बड़ा यानी कि ऊपर वाला, ये, ठीक है, क्लियर समझ में आया? तीसरी व्यापम 17 में पूछा है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट मतलब क्या लिख सकते हैं? 10^3 GB लिख सकते हैं, 10^6 MB लिख सकते हैं, और 10^9 KB भी लिख सकते हैं। ये जो घात वाली संख्या है ना, ये आपको बढ़ते जाएगा, है ना। 1 टेराबाइट बराबर होता है, तो इसको हम आपको बताया था 2^40 बाइट। अगर आप नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ, ये वाला, इसको अच्छे पढ़िएगा, ठीक है। चलिए एक बार देखेंगे इसको, यहाँ से कंप्यूटर मेमोरी को 1 निबल मतलब 4 बिट, 1 बाइट मतलब 8 बिट, इसको 2 निबल कहा जाता है, 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट, इसको 2^10 या 2^20 बाइट लिखा जा सकता है। और यही अब एग्जाम में पूछा गया है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, टीबी यानी कि हेक्साबाइट, जेटाबाइट, ठीक। यहाँ पे ये वाला एग्जाम में पूछा गया है 2K वाला, यहाँ पर क्लियर समझ में आया? ये सब आपको बढ़ते क्रम में जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, है ना, एक सीडीआर को किस रूप में भी जाना जाता है? जो सीडीआर होता है उसको वर्म के रूप में भी जाना जाता है, वर्म के रूप में भी जाना जाता है, 2016 के एग्जाम में हर्षल वर्धन में पूछा गया है, ओके, ठीक। अब एक पेटाबाइट मतलब 1024 टेराबाइट। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? अभी आपको बताया था सीडी किस प्रकार की मेमोरी है ना। तो सीडी क्या है? सहायक मेमोरी। और सहायक मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सीडी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन ऑप्टिकल को किस नाम से जानते हैं? सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं ना। तो देखेंगे सहायक मेमोरी को कौन से मेमोरी कहा जाता है? द्वितीयक मेमोरी। और द्वितीयक मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी, और वोलाटाइल को स्थायी मेमोरी। सभी याद होना चाहिए, इतना टॉपिक एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगर सब आप थ्योरी में ये पढ़े होंगे, है ना, अभी मैं आपको बताया पूरा, अब यहाँ से ये लगा है पूरा ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, ब्लू डिस्क, सीडीआरडब्ल्यू है सभी, है ना, ये इसीलिए मैं इसको थ्योरी को आपको कराया हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा, आई होप। तो वीडियो को क्या करोगे, एक बार लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है। रैम एक प्रकार का क्या नहीं है? रैम एक प्रकार का 574 मेगाबाइट नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी मेमोरी? अभी आपको बताया अस्थायी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी, इसको और किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी, और मुख्य मेमोरी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइव या रोम, इसको रैम कहा जाता है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, तो कल से पूरा क्लासेस कंटिन्यू कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें।